गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ जो हमने पीछे टॉपिक किया था गिल्ड एट सिक्योरिटीज़ का, पार्टिसिपेंट्स हमने किए थे गिल्ड एट सिक्योरिटीज़ मार्केट में कौन कौन है, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि प्रोसेस क्या है ऑफ इशू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन गवर्नमेंट मार्केट। तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ अगर गवर्नमेंट ने इशू करनी है तो उसका वो सारा जो वर्क है इशू का, उसे आरबीआई देखता है। तो जो आरबीआई ने एक अपना अलग से डिपार्टमेंट एलोकेट किया हुआ है, दैट इज जिसे हम पब्लिक डेप्ट ऑफिस कहते हैं आरबीआई का, तो जो पब्लिक डेप्ट ऑफिस है आरबीआई का, वो इशू करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जो इशू है सिक्योरिटीज का, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है जनरल पब्लिक को देना कि इशू निकल रहा है, वो जिस दिन सब्सक्रिप्शन ओपन होनी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए, उससे कुछ ही दिन पहले उसे नोटिफाई किया जाता है। जर्नली जो सब्सक्रिप्शन है वो 2 से 3 दिन तक के लिए ओपन रहता है, बट इसे जो गवर्नमेंट है के बिहाफ पे आरबीआई कर रहा है इशू, तो जो आरबीआई है वो डिसाइड कर सकता है कि अगर इशू फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है तो वो उसे पहले भी क्लोज कर सकता है। तो जो ये सिक्योरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ जो इशू निकल रहा है, वो एक बार में सारी नहीं निकाली जाती है, उसे छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में निकाला जाता है। अगर जो सब्सक्रिप्शन है आपका वो ओवर सब्सक्राइब हो गया है, तो जो गवर्नमेंट है उसके पास राइट है कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो अपने पास अमाउंट जमा कर सकती है। जो एप्लीकेशन है वो जो ऑफिस है आरबीआई का या जो ब्रांचेस है एसबीआई की, आप वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं अगर आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील करना है, अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू को सब्सक्राइब करना है। इन केस जो स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है अगर उनकी सिक्योरिटीज़ का, तो एक स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर सकती है अपनी सिक्योरिटीज़ को दूसरे स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जिसकी सिक्योरिटीज़ जो स्टिल ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन अगर इन्वेस्टर चाहता है तो। अगर जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब नहीं है, तो जितना इशू फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ है उसे आरबीआई ले सकती है। आरबीआई अलाउ करती है कि सेकेंडरी मार्केट में भी ये सिक्योरिटीज़ अवेलेबल रहें। जो आरबीआई है वो इन सिक्योरिटीज़ को सेकेंडरी मार्केट से भी खरीदती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, और कुछ पोर्शन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का है वो सेकेंडरी मार्केट में ओपन छोड़ देती है, ताकि जो मेजॉरिटी डेट पे उन सिक्योरिटीज़ को पे ऑफ किया जा सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रूमिंग। नेक्स्ट जो टर्म यहाँ पे यूज़ होती है, दैट इज़ स्विचेस। स्विचेस का मतलब क्या है? स्विचेस का मतलब है कि आप एक सिक्योरिटीज़ को परचेज कर रही हो अगेंस्ट दी सेल ऑफ अनादर, मतलब एक को आप सेल कर रहे हो और जिसको सेल कर रहे हो उसके अगेंस्ट आप दूसरी सिक्योरिटीज़ को परचेज कर रहे हो। ये ऑपरेशन जो है वो हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की यील्ड को मेंटेन कर सके। जो आरबीआई है वो फिक्स करती है एनुअल कोटा स्विच करने के लिए ट्रांजेक्शन्स का हर एक बैंक का। जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इशू जब आप निकालते हो तो उसमें मल्टीपल प्राइस ऑक्शन के थ्रू भी ये इशू निकाला जा सकता है। इसे आपको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे इसे डिटेल में नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो आपको समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ मल्टीपल प्राइस ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आरबीआई इशू निकाल रही है जब अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, तो वो हर एक इंडिविजुअल को, अगर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर उसे ऑप्शन कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारा है, दैट इज़ ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है गिल्डेड सिक्योरिटीज़ में। जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं गिल्डेड सिक्योरिटीज़ में वो 3 तरीके से की जा सकती हैं। पहला है डायरेक्ट सेल्स थ्रू वॉचर्स, नेक्स्ट इज़ थ्रू सिक्योरिटीज़ जर्नल लेजर SGL अकाउंट्स जिसे हम कहते हैं, एंड द थर्ड इज़ थ्रू बैंक रिसिप्ट्स।
इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट सेल की। डायरेक्ट सेल पब्लिक डेब्ट ऑफिस करता है आरबीआई का। ये स्पेसिफाई कर देता है अमाउंट ऑफ लोन उसे जितना गवर्नमेंट को चाहिए सिक्योरिटीज सेल करके, और डेज क्या रहेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए। उन दिनों में जो इन्वेस्टर है वो एप्लीकेशन ऑफिस में दे सकता है सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए। सेकेंड आता है सेल थ्रू SGL अकाउंट्स। इस मेथड में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं ओनली थ्रू बुक एंट्रीज। जो RBI है वो लेजर्स मेंटेन करता है हर एक बैंक के, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वो लेजर में एंट्री कर देता है। जो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है उसे लेजर में वो एंटर कर देता है। हर एक बैंक SGL अकाउंट अपना मेंटेन करवाता है RBI के पास, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उससे रिलेटेड। जो सेलर बैंक है उसे प्रिस्क्राइब्ड SGL फॉर्म फिल करना होता है RBI के पास, उसे जमा करवाना होता है। और इस अकाउंट से आप रेपो ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं, रेपो जिसे हम रीपरचेज ऑप्शन कहते हैं, या आगे आप अपने सिलेबस में डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड वन जो है दैट इज सेल थ्रू बैंक रिसिप्ट। इस मेथड के अंदर जो सेलिंग बैंक है वो एक बैंक रिसिप्ट इशू करता है जो भी इन्वेस्टर है उसको, फिजिकल ट्रांसफर नहीं करता है सिक्योरिटीज का। तो ये जो मेथड है रेपो ट्रांजेक्शन जब आप कर रहे हो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्राइमरी डीलर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। अब जैसे आप कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज के जो इशू निकलते हैं उसमें डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं, डिफरेंट पर्सन्स होते हैं जो उस इशू को सब्सक्राइब करवाने के लिए काम करते हैं, मतलब उसको एक्सपैंड करने के लिए काम करते हैं। सेम तरीके से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है यहाँ पर कुछ पर्सन्स अपॉइंट किए जाते हैं जो RBI ने कंडीशंस, गवर्नमेंट ने कंडीशंस लगाई हुई हैं कि कौन वो पर्सन्स बन सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करने के लिए जो अपॉइंटेड डीलर्स हैं उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसके बेसिस पे हम उन्हें दो पार्ट्स में, दो टाइप्स ऑफ जो डीलर्स होते हैं हम उसे डिवाइड करते हैं। एक है आपका प्राइमरी डीलर्स जिसे हम PDs कहते हैं, और दूसरा है आपका सैटेलाइट डीलर्स। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो एलिजिबिलिटी है प्राइमरी डीलर बनने के लिए और सैटेलाइट डीलर बनने के लिए वो अलग अलग है। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है दैट इज प्राइमरी डीलर्स दिया गया है आपके बुक में, सैटेलाइट डीलर्स के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। और अदरवाइज भी अगर हम देखें तो जो प्राइमरी डीलर्स हम यहाँ पे देखेंगे हम सिर्फ उतना ही उसका मीनिंग समझेंगे जितना आपके सिलेबस में है। तो प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं? जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं जो एग्री करते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस और फंक्शंस करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जिसके एक्सचेंज में उन्हें आप कुछ प्रिविलेजेस देते हो। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्राइमरी डीलर्स के वो क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रेंथन करे वो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट का, ताकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है उसे वाइब्रेंट, लिक्विड और ब्रॉड बेस्ड बनाया जा सके। ये इंश्योर करना कि डेवलपमेंट हो अंडरटेकिंग की और मार्केट मेकिंग कैपेबिलिटीज की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए आउटसाइड दी RBI। इसका मतलब कि सिर्फ RBI ही तक लिमिटेड ना रहे कि उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, उस काम को करने के लिए जो PDs हैं उन्हें भी अपॉइंट किया गया है। इम्प्रूव करना सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग सिस्टम को जो कंट्रीब्यूट करता है प्राइस डिस्कवरी के लिए, इन्हांस करता है लिक्विडिटी को, टर्नओवर को, और इनकरेज करता है लोगों के बीच में कि वो वॉलंटरली अपने आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड करे अमंगेस्ट अ वाइड इन्वेस्टर बेस, मतलब उसका जो इन्वेस्टर बेस है ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फैले हुए हैं वो उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करें। ये काम होता है प्राइमरी डीलर्स का। तो जो इस टॉपिक में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में आपको जो टॉपिक्स करना था वो बस इतना ही है। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक आपको करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में दैट इज एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है प्राइमरी डीलर्स बनने के लिए। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
फॉरेन सब्सिडरीज, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है अंडर कंपनीज एक्ट 1956, वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए प्राइमरी डीलरशिप के लिए। जो सब्सिडरी है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की या बैंक की या बैंक्स की और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो रजिस्टर्ड होने चाहिए एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एटलीस्ट 1 आवर प्रियोरियर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन वो अप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी डीलरशिप के लिए उससे 1 साल पहले तक वो रजिस्टर्ड होने चाहिए एनबीएफसी। मतलब अगर कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड है और उसे 1 साल हो गया है उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकती है फॉर टू बिकम अ पीडी। उनकी जो मिनिमम नेट ओन फंड्स हैं वो 150 करोड़ रुपीस होनी चाहिए कोर एक्टिविटीज़ के लिए और डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ के लिए 250 करोड़ रुपीस होने चाहिए। अगर जो बैंक्स हैं उन्हें पीडीज बनना है तो उनकी जो मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो है वो 9% होनी चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट लेस देन 3% होनी चाहिए और प्रॉफिट मेकिंग जो रिकॉर्ड है उनका लास्ट 3 ईयर्स का वो होना चाहिए। जो बैंक्स हैं जिनकी सब्सिडरी अंडरटेकिंग नहीं है पीडी बिजनेस की और वो लेना चाहते हैं पीडी बिजनेस डिपार्टमेंटली, तो उनकी मिनिमम जो नेट ओन्ड फंड्स हैं उनके 1000 करोड़ रुपीस होने चाहिए। तो इस टॉपिक के साथ जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज आपका कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट। थैंक यू सो मच।